हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलिप्स का कोसेंट्रिक मेथड बताने वाला हूँ। तो आज से हम लोग इलिप्स का नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड का इलिप्स बनाना सीखेंगे। तो इलिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस लेते हैं, जो कि 120 mm मेजर और 80 mm हमारा माइनर एक्सिस है। और टूल्स हम ये सभी ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 120 mm पर, जो कि दिया हुआ है, उसको बीच में पॉइंट आउट कर लेंगे। और वहां से माइनर एक्सिस हम लोग खींचेंगे 80 mm का। मेजर एक्सिस का नाम रखेंगे ए बी और माइनर एक्सिस का नाम रखेंगे सी डी। आपको सेट स्क्वायर यदि आपको नहीं चलाने आता है तो आप जाके, आप लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सॉरी हमने ले लिया 80 mm, नाम रखा सी डी। अब क्या करते हैं हम लोग, दो यहाँ पे सर्कल खींचते हैं मेजर एक्सिस के डाया के बराबर और माइनर एक्सिस के डाया के बराबर है, यानी कि दो सर्कल। कॉमन सेंटर को सेंटर की मेथड इसीलिए नाम है कि एक सेंटर से दो सर्कल बनाया जाता है। तो सी डी को डायमीटर लेके हम लोग एक सर्कल बनाए और ए बी का डायमीटर लेके एक सर्कल बनाए। अब इसको रुक जाइए जरा, आपको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करना है, तो छोटा सर्कल को डिवाइड करना है, तो छोटा सर्कल का रेडियस के बराबर चाप लेके आप यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है वैसे वैसे, वैसे आप इसको दोनों तरफ काटते जाइए। तो 12 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करने के लिए दोनों को डिवाइड करना है। तो इस तरह से आप स्केल या जो कोई भी स्ट्रेट किनारे से आप उसको ऑपोजिट वाले सेंटर से होते हुए दोनों ऑपोजिट पॉइंट को मिलाएंगे और दोनों को, दोनों सर्कल को हम लोग 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। अब 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, चाहे आप सीडी को मिला भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसका नाम हम लोग रख देंगे ए, एक दो तीन चार ऐसे नाम रख देंगे। और छोटे वाला सर्कल में जो कटा है वहां पे एक डैश दो डैश तीन डैश इस तरीके से नाम रखेंगे, आप जैसे देख सकते हैं। अब क्या करना है हमें, एक और एक डैश जो नंबरिंग है, एक और एक डैश दो और दो डैश, इसको ये जो सर्कल के बीच में जो गैप है वहां पे मिलाना है। बाहर वाला जो पॉइंट है 1 2 3 4 उससे वर्टिकल लाइन खींचना है और अंदर वाले से हॉरिजेंटल, ठीक है। तो कैसे खींचते हैं सेट स्क्वायर से, वर्टिकल वर्टिकल लाइन खींचेंगे और लगभग एक और एक डैश से मिलाना है तो उतना ही लंबा खींचेंगे, ताकि आप एक डैश से इधर हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो दोनों मिल जाना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जो मेजर एक्सिस और जो माइनर एक्सिस है वहां से किसी तरह का लाइन नहीं खींचना है, यानी कि ए बी और सी डी से कोई भी लाइन नहीं खींचना है। उसको कैसे मिलाना है आप देख सकते हैं। तो बाहर वाले से हमने वर्टिकल लाइन खींच लिया है, अब अंदर वाले जो डैश वाले नंबर है 1 डैश 2 डैश वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, जो कि आप सेट स्क्वायर से कुछ इस तरीके से खींचेंगे।
अब यहाँ पे जो भी पॉइंट मिले हैं उनका नाम हम लोग P1, P2, P3 ऐसे करके नाम रख देंगे। और इन्हीं को मिला देने पे हमें मिलेगा इलिप्स, जो कि मिलाना तो चाहिए फ्रेंच कर्व से, लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्री हैंड का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेड पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, आपको ब्लैक पेंसिल ही यूज करना है। ध्यान रखना है आपको सीधा नहीं मिलाना है, घुमाते हुए कर्व लाइन में मिलाना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जब मिलाइएगा तो आपका इलिप्स बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों इलिप्स तो परफेक्ट तरीके से फ्रेंच कर्व से अच्छा बनता है, लेकिन आईटीआई में जनरली फ्रेंच कर्व यूज नहीं करते हैं। आप फ्रेंच कर्व यूज करेंगे तो बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका इलिप्स बनता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलिप्स का नया मेथड बनाने के लिए सीखेंगे।